समस्या जो भी है उसका हेड ऑन मुकाबला करो, भागो नहीं। ये गीता की पहली सीख है, भागना मना है। क्योंकि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, ये विश्व की नित्य स्थिति है और हम उसके बीच में है। अब हमको लड़ना ही पड़ेगा। दोनों तरफ लोग दिखते ही है, दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष का समर्थन होता है, तर्क दिए जाते हैं। मनुष्य तर्क का निर्णय कैसे करता है? अपने रुचि के अनुसार करता है। इसको भगवान भी नहीं बदलते, बदल सकते हैं लेकिन बदलते नहीं। भगवान ने स्वातंत्र्य दिया है, सब कुछ वही करते हैं, वही चलाते ही है, लेकिन उस मर्यादा में उन्होंने मनुष्य को विचार दिया है और विचार के अनुसार निर्णय का स्वातंत्र्य दिया है। और इसलिए अर्जुन को मोह हुआ है कि मेरे ही तो अपने लोग हैं, चलो दुर्योधन दुष्ट है, दुशासन दुष्ट है, शकुनी दुष्ट है, लेकिन भीष्म है भाई, हमारे दादा है, हमको शुद्ध प्रेम उन्होंने दिया है, हमारे हितैषी भी है, उधर रहकर भी हमारे मामा है शल्य, हमारे गुरु है द्रोण, इनको मार के हम कैसे राज्य लेंगे? अब तर्क है, दोनों तरफ तर्क है, इसमें भी तर्क है, वास्तविकता है। और युद्ध के परिणाम कभी अच्छे होते हैं क्या? नहीं होते। धर्म के लिए भी युद्ध किया जाए, संहार तो होता ही है। महाभारत का युद्ध होने के बाद एक तो अपना प्राचीन ज्ञान था उसका पूर्ण लोप हो गया, विशेषकर ये शस्त्रास्त्र विद्या जानने वाले जितने जानकार लोग थे सब के सब उस युद्ध में मारे गए।